एनटीई ने जेईई मेन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें मोशन एजुकेशन के दिव्यांशु मालू उड़ीसा और हिमांशु गर्ग दिल्ली स्टेट के टॉपर रहे। इसके अलावा विशाखा अग्रवाल ने फीमेल कैटेगरी में छठा स्थान प्राप्त किया है। विद्यार्थियों की सफलता के मद्देनजर सोमवार शाम मोशन के द्रोणा कैंपस में जश्न मनाया गया। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने कहा है कि मोशन नाइट्स ने एक बार फिर अपने दृढ़ संकल्प को साबित किया है। ये सफलता एक मुकाम है, मंजिल नहीं। बेहतरी के प्रयास जारी रहेंगे। इस बार मोशन के 6,653 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी, जिसमें से 2,409 यानी कि 36.21% सिलेक्ट हुए हैं। मोशन के विद्यार्थी स्वतंत्र द्विवेदी ने मैथ और गीतांशु अरोड़ा, भावुक प्रसाद सार्थक सम्यक शीर्ष, विशाखा अग्रवाल ने फिजिक्स में 100% अंक हासिल किए हैं। मेरे हिसाब से कोटा में हमेशा से रिजल्ट अच्छा है, इस बार मोशन का रिजल्ट बहुत जोरदार आया है। 5 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों में 100% लाए हैं। तो स्वतंत्र द्विवेदी है जिसके 100% आई है, गीतांशु अरोड़ा है, भावुक प्रसाद है, सम्यक सरेश है और विशाखा अग्रवाल है। विशाखा अग्रवाल वो बच्ची जिसकी 6th पोजिशन भी आई है गर्ल्स कैटेगरी में। इसके अलावा उड़ीसा से एक हमारा स्टेट टॉपर है दिव्यांशु मालू और हिमांशु गर्ग, ये दोनों हमारे दिल्ली और उड़ीसा के स्टेट टॉपर्स हैं। मोशन परिवार के लिए जो ज़्यादा महत्व रखता है वो ये है कि हमारे कितने बच्चे और सेलेक्ट हुए हैं, जो हमारी एक ताकत भी है। 48 बच्चे ऐसे हैं जो 99.9% के ऊपर हैं, 252 बच्चे ऐसे हैं जो 99.5% के ऊपर हैं। 6,653 बच्चों ने हमारा एग्जाम दिया था, उसमें से 2,409 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 95% के ऊपर। वहीं स्वतंत्र द्विवेदी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। लग रहा है काफी, मतलब मेरी सबसे ज्यादा एफर्ट तो टीचर्स का भी था, मेरा भी थोड़ा सा एफर्ट था, जरूर साथ सबका साथ में मिल करके ये रिजल्ट आया है। सब गोरखपुर यूपी सर। एक्चुअली हम 11 12th में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए थे, इस वजह से हम जब यहाँ आए तो थोड़ा सा डरे हुए भी थे। हम एनवी सर, अपने मैथ्स के सारे टीचर्स और केमिस्ट्री सब टीचर्स से बात अपनी शेयर किए थे, थोड़े से डर से लग रहा था क्योंकि हम लोग के बैच में सब लोग क्वालिफाइड थे। बट ये लोग कहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बोर्ड लेवल तुम अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ पर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारा सारा मटेरियल क्वालिफाइड मिलेगा, तुम्हें बस एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा। सर अपने टीचर्स को